नमस्कार, आप देख रहे हैं केवाईएन पोस्ट। बुधवार को चंडीगढ़ से मुंबई आ रही अभिनेत्री कंगना रनौत की इंडिगो फ्लाइट के दौरान विमान के भीतर के घटनाक्रम के एक वीडियो के अनुसार एक्ट्रेस के ऑफिस पर बीएमसी के एक्शन पर कंगना रनौत का रिएक्शन लेने के लिए रिपोर्टर्स और कैमरामैन आपस में धक्का मुक्की करते और भीड़ लगाते देखे गए, जिससे कोरोना गाइडलाइन और फ्लाइट के एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के रूल 13 का उल्लंघन हुआ था। बेशक हमें कर रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अपडेट्स जा रही है और हमारे साथ, और ये हिमाचल के नौजवान हैं जो कंगना के साथ वहाँ से दिया गया है यहाँ पर, और वो फ्लाइट से बाहर निकल रही है और सीधा अब वहाँ जाएंगी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि। जिसके बाद डीजीसीए ने शुक्रवार को इंडिगो से उचित कार्रवाई करने को कहा था। डीजीसीए ने शनिवार को अपने आदेश में कहा कि अब से यदि किसी प्री स्केड्यूल फ्लाइट में इस तरह का कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का उल्लंघन होता है तो उस रूट की फ्लाइट्स को 2 सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और इसे तभी बहाल किया जाएगा जब एयरलाइन इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। डीजीसीए ने सभी एयरलाइन कंपनी, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को इस आदेश की कॉपी भेजी है। डीजीसीए ने इंडिगो को चंडीगढ़ मुंबई की उसकी उड़ान में मीडिया कर्मियों द्वारा सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों के कथित उल्लंघन के लिए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा था। इस बारे में इंडिगो का कहना था कि उसके पायलट के साथ ही चालक दल के सदस्यों ने तस्वीरें खींचने पर रोक, सामाजिक दूरी का पालन करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए घोषणा करने समेत सभी जरूरी नियमों का पालन किया था और उड़ान के बाद इस मामले का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन भी किया था। हाल ही में कंगना रनौत के समर्थन में हिमाचल प्रदेश में एक रैली निकाली गई, जिसमें राज्य के लोग महाराष्ट्र के उनके ऑफिस पर हुई कार्रवाई और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। केवाईएन पोस्ट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।